नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, आप सबको इंतजार होगा राजीव नारायण शर्मा जी के शो का। क्या गजब भविष्यवाणी करी है उन्होंने, कभी बताया नहीं था महाराज ने कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इतनी मुलाकातें कर चुके हैं, राजीव कुमार उनके इतने करीबी हैं। तो धीरे धीरे रहस्य खुलते हैं। मैंने उनसे कहा कि कुछ दिन पहले आपसे मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आपके घर में आके मिले और आपने मुझे नहीं बताया, किसी तीसरे आदमी ने बताया। तो धीरे धीरे राज उन्होंने खोले। बहुत शानदार प्रोग्राम है। मोदी जी क्या आसानी से सत्ता छोड़ देंगे या कुछ और करेंगे? क्यों संसद के अंदर आसपास मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है? क्या डर है? मुझे एक अफसर ने बताया इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है, तैयारी हो रही है कि कुछ लोग श्रीलंका की तरह कहीं पार्लियामेंट के अंदर ना आ जाए। क्या 4 तारीख को कोई बड़ा रिहर्सल प्लान है? क्या सत्ता जाने के बाद कुछ और बेचैनी है? तमाम बड़े बड़े खुलासे किए हैं राजीव जी ने इस शो में। मेरा अनुरोध है कि ये पूरा शो देखिएगा, आज आपको जबरदस्त बातचीत है। मैं पहले हर बार की तरह मैं फिर के गुजारिश कर देता हूं कि आपको ज्योतिष में यकीन है तो शो देखिए, यकीन ना हो तो मत देखिए। मुझे यकीन है इसलिए मैं ये शो करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अप्रैल महीने के यूट्यूब के आंकड़े आ गए हैं, हम लगातार 4th महीने देश में पहले स्थान पर हैं और ये आपके प्यार का नतीजा है कि लगातार 4 महीने तक देश के पॉलिटिकल कमेंटेटर के रूप में आप नंबर 1 पर बने रहें और इस ऊंचाई पर बने रहें लगातार, ये संभव नहीं था। ये आपका प्यार नहीं होता तो हम इस निहा तक पहुंचते नहीं। निसंदेह ये प्यार हमें इन ऊंचाइयों पर ले आया है, हृदय से आपका आभार। एक रिक्वेस्ट और है, आपको पसंद आता है ये शो तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं सीधे राजीव नारायण जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है राजीव जी आपका। गजब भविष्यवाणी करते हैं। दिल्ली में मैं गया तो हर जगह राजीव नारायण केजरीवाल जी का इंटरव्यू ले रहा था तो अरविंद केजरीवाल आपको याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोग याद कर रहे थे, वही राजीव जी की भविष्यवाणी हम जरूर सुनते हैं। और दिल्ली में मैं मीडिया जगत में मिला, कई ब्यूरोक्रेट में मिला, खड़गे जी के यहाँ भी गया था तो वहां पे कांग्रेस के नेता राजीव जी की बड़ी याद हो रही है। भाई राजीव जी, चुनाव सिर पर आ गया है, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, दिल में कुछ धक धक हो रही है? नहीं हो रही है? आपके चक्कर में कुछ भी गड़बड़ हो गया इस बार तो डंडे मुझ पर भी बहुत पड़ेंगे, मतलब आपको भी कोसेंगे लोग बहुत। कुछ धक धक हो रही है दिल में? नहीं देखो, पहले तो आपके आपके आपको और आपके सारे टीम मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 4PM लगातार जो है फिर से नंबर 1 पर इस समय आ गया है आपके पिछले महीने के व्यूअरशिप में, तो ये बहुत पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई आप लोगों का, और आगे भी आप लोगों को तरक्की मिले और ऐसी ही सत्य के ऊपर आधारित आप पत्रकारिता करते रहें। इससे बड़ा बहुत ही जो है देश का बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग इसमें नाराज होने वाले, होने दीजिएगा, सत्य को कभी झुकाया नहीं जा सकता, अल्टीमेट जो है जीत सत्य की होती है। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न के ऊपर। मुझे कोई दुख दुखी नहीं होती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक स्कॉलर हूँ और स्कॉलर के नाते मैं देखिए जितना मैं विवेचना करता हूँ, जितने तरह तरह से इवेंट लेकर के आता हूँ, उस इवेंट की कुंडली बना के करता हूँ, शायद ही कोई ज्योतिषी, मेरे दर्शक, आपके दर्शक और दुनिया के सब लोग जानते होंगे, कोई भी ज्योतिषी इतना होमवर्क करके आता ही नहीं है, ना वो पढ़ता लिखता है, वो तो केवल जो है जो सामने दिख रहा है उसी को चमत्कार को नमस्कार करते हुए अपनी बातें कह देते हैं कि 400 पार आएंगी या मोदी जी की कुंडली है, जबकि आप उन जो है ताली थाली बजाने वाले ज्योतिषियों को मैं कहना चाहता हूँ, 17 सितंबर 1950 नरेंद्र मोदी जी का करेक्ट बर्थ डेट नहीं है, ऐसा मुझे उनके बहुत सारे नजदीकी लोगों ने, गुजरात के लोगों ने बताया जो उनके साथ के थे। अब आप अगर उनके परिवार के लोग, देखो विचित्रता क्या है संजय जी, मैंने कोशिश की उनके परिवार के लोगों से मिलने की, उनके परिवार के लोगों ने साफ मना कर दिया कि नरेंद्र भाई का नाम लेकर के हमारे पास मत आइए, वो कोई इनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो ये जो सोशल मीडिया में घूमने गलत है। तो अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर, जो आगजनी वाली बात, देखिए विचित्र ये है कि ये जो है आपने मुझसे ये लगातार कहा था कि जो ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं उसमें आगजनी की कई घटनाएं देख रहे हैं आप, और आपने जो कहा उसके बाद कई मंत्रालयों में आग लग गई, इनकम टैक्स में दफ्तर में आग लग गई, उत्तराखंड में आग लग गई और कल बड़ी दुखद घटना घट गई राजकोट में और 1.5 दर्जन बच्चे जल के मर गए। ये जन्मपत्री में ये आगजनी कैसे थे? बाद में भारत की जन्मपत्री बनाई,
मैंने मान लिया कि मैं दर्शकों को बता दूं कि राजीव जी मुझसे जी ने पूछा था कि भारतीय जन्म पत्री कैसे बनती है, तो मैंने उनको बताया, आप सुन लीजिएगा राजीव जी मैं सही बता रहा हूँ बता रहा हूँ, मैंने बताया कि जिस समय 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, जिस समय साइन हुए, तो राजीव जी ने माना कि वो भारत के निर्माण का दिन था, वो भारत का जन्म हुआ था, तो वो जन्म पत्री के आधार पर गणना करते हैं। लेकिन राजीव जी उसमें आग कहाँ दिख गई आपको कि इतनी बड़ी है, एक डेढ़ महीने में आग की इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई? पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, वो राजीव जी ने नहीं निकाला था टाइम, वो जब आजादी का क्या नाम है समय, जब अंग्रेजों ने भारत सरकार उस समय के कांग्रेस के नेताओं को कहा आजादी के लिए, तो वहां पे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने जो दो जोशियों को इनवाइट किया था, उन एस्ट्रोलॉजर्स के नाम है सूर्य नारायण व्यास उज्जैन के और पंडित धर्मदेव शर्मा शास्त्री, दोनों इस दुनिया में नहीं है, उनको बुलाया गया था, उन्होंने ही 00:01 पर 1947 में निकाली थी, 14 अगस्त की रात्रि 00:01 मतलब 24 घंटे की घड़ी में वो 15 अगस्त लग गया। तो वो कुंडली वही है और वही हमने उसमें वर्षों तक उसमें रिसर्च की है, मतलब कई साल हमने उसमें रिसर्च किया और हमने कहा कि हमारे ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल के जोशियों की परंपरा रही है, प्राचीन काल से, राजा महाराजाओं के टाइम से, पौराणिक काल से भी, कि जब नया जब चैत्र मास का प्रतिपदा आती है और उसमें प्रतिपदा के दिन जो लगन बनता है वो आपके संवत्सर की कुंडली बनती है, तो उससे पूरे राजा के जो राजगुरु जोशी होते थे पूरे साल का फलादेश करते थे कि भाई इस बार मौसम कैसा रहेगा, जनता का बिहेवियर कैसा रहेगा, राजा का राजकाल कैसा रहेगा, टैक्स कितना आएगा, और कोई पड़ोसी देशों से कोई मतलब क्या नाम है किसी तरह का खतरा तो नहीं है, तो युद्ध नीति भी तैयार होती थी, आर्थिक नीति भी उसी आधार पर तैयार होती थी और मौसम की भविष्यवाणी और कृषि नीति भी उसी के ऊपर आधारित होती थी, मतलब आपका टैक्सेशन का स्ट्रक्चर भी उसी पर डिसाइड होता था कि भाई मान लीजिए अगर सूखा पड़ गया तो फिर जनता के ऊपर कम टैक्स का बोझ डाला जाए, इस तरह की प्लानिंग होती थी, तो हमने भी उसी पर, ये एक बहुत करेक्ट मेथड है। और वारामीर एक बहुत बड़े जोशी हुए हैं जो राजा विक्रमादित्य के, ये किताब उन्हीं की लिखी हुई है, तो विक्रमादित्य जी के वो राजगुरु होते थे वो, तो इस साल जो हमारा संवत्सर शुरू हुआ, हमने आपकी ये कुंडली आपके दर्शकों को दिखाई है, आपके पास पहले चर्चा की थी 5 अप्रैल को हमने, तो इसका राजा जो है मंगल है और इसका जो है मंत्री शनि आया, तो दो क्रूर ग्रह जो है इसमें क्या नाम है प्रशासन को संभाले हुए हैं, एक राजा और एक शनि, और दोनों में आपस में शत्रुता है, तो यह धनु लगन की कुंडली बनी जिसमें मंगल और शनि इकट्ठे तीसरे भाव में थे, शुक्र राहु सूर्य चंद्रमा चौथे घर में थे, बुध और बृहस्पति 5वें घर में थे और केतु 10वें घर में था, तो इसका जो है, और ये नक्षत्र रेवती नक्षत्र में आया था, तो मंगल का मंगल जो है बेसिकली फायर का कारक है, फायर का सिग्निफिकेटर है, और ये एक मैंने राइटअप भी आप लोगों को भेजा था, आपने लगाया भी था अपने पिछले दुकान में, मैं बता देता हूँ उस राइटअप को, मैं पढ़ के बताता हूँ कि कितनी सटीक घटना है, कि आपने जो घटनाएं बताई कि जैसे इस समय उत्तरांचल के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई थी, फिर हिमाचल के जंगलों में आग लग गई, उसके बाद आपके गृह मंत्रालय में इनकम टैक्स की बिल्डिंग में आग, और अभी अभी आप जो दुर्घटना राजकोट की बता रहे हैं कि 20 बच्चे मर गए, ये बहुत बड़ा दुखद है, तो इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है कि अभी तो क्या है 5 अप्रैल की हमने बात करी थी, ये आपका जो संवत्सर शुरू हुआ था, ये संवत्सर शुरू हुआ है 8 अप्रैल 2024 को रात्रि के 11:51 पे जो समय शुरू हुआ, वहां से नया संवत्सर शुरू हुआ, तो इस काल नाम, और इसका जो संवत्सर का नाम है वो काल है, नाम ही अपने आप में बड़ा डरावना है, तो इसके अंदर मैंने लिखा था जो आपको राइटअप आप दिखाइएगा, फाइटिंग अमंग्स द किंग्स, मतलब आपस में राजाओं में विश्व में झगड़े फसाद होंगे, वो देख ही रहे हैं ईरान वीरान का, प्लेंटी ऑफ फायर्स इन द फॉरेस्ट एंड अदर प्लेसेस, रॉबरी चोरी की घटनाएं, मेजर एक्सीडेंट्स, अर्थक्वेक्स, सेक्स स्कैंडल, सेक्स क्राइम, आपको याद है जब हमने सेक्स स्कैंडल वाली बात की तब भी मैंने उसे पढ़ के सुनाया था उस समय भी, और इसमें रेवन्ना वाला मामला सामने आ गया था, ये उस समय भी मैंने रिपीट किया था, और मैंने ये लिखा कि ह्यूमिलेशन टू रूलर्स प्रोमिनेंट पीपल चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब इस साल जो है सरकारें बदली जाएंगी अलग अलग देशों में, ये भी मैंने बता दिया था, और जगह जगह विश्व में युद्ध जैसे हालात बनेंगे, प्रजा के रोग बढ़ेंगे, अन्न कष्ट भी बढ़ेंगे, आंधी तूफान वायुयान दुर्घटनाएं भी होंगी, तो जब आपका जो अभी वायुयान दुर्घटना का था तो उस समय हमने ईरान के राष्ट्रपति की डेथ हो गई हेलीकॉप्टर, हाँ जो ईरान के राष्ट्रपति की, फिर उसके अलावा आपको बताएं इतनी बड़ी घटना घट गई जिसको लोगों ने इग्नोर कर दिया
सिंगापुर का एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस का प्लेन, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार विदेश गया हूँ तो मेरा आना जाना सिंगापुर एयरलाइंस से हुआ था, और बहुत खूबसूरत प्लेन, बहुत बड़ा प्लेन, और वो लंदन वाली फ्लाइट थी, उसमें 6,000 फीट का ऊपर नीचे हो गया, मतलब उसको किलोमीटर में अगर मेजर करें तो 2 किलोमीटर ऊपर नीचे हुआ, 70 लोगों को उसमें सीवियर हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी हुई है, और कुछ 7-8 लोग मर गए थे, ऐसा बहुत बड़े अपने आप में ट्रेजेडी है। तो ये क्योंकि हम जब गणना कर रहे हैं तो ये वाली घटना भी घट रही है, तो इससे ये पता लग जाता है कि कितना हमारा ज्योतिष का गणना करने का सटीक मेथड था। तो इसी गणना पे आपने कर ली कि मोदी जी की विदाई हो रही है, मोदी जी दोबारा आ गए तो इस बार आपको छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा राजीव जी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सब कुछ आपके पीछे लगेगा अगर इस बार आगे, और आपके चक्कर में मैं और पिस जाऊंगा, कहते ना गेहूं के संग में घुन पिस जाता है, आपके चक्कर में मोदी जी अगर सत्ता में आ गए 4 तारीख को तो 5 तारीख से ही राजीव नारायण और संजय शर्मा दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मोदी जी से पहले एक और इस बात, इसका प्रश्न का जवाब देने से पहले, क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम होगा तब तक 7वें चरण का चुनाव हो चुका होगा, मैं आज दर्शकों को 7वें चरण के चुनाव की ये कुंडली बना के दिखा रहा हूं, जो 1 जून को सुबह 7 बजे की कुंडली है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए, जो मैंने आप लोगों को पिछले, अब जो 2 दिन पहले भी प्रोग्राम किया था उसमें मैंने बता दिया था कि सीधा सीधा सिद्धांत है, पब्लिक जनता के खिलाफ, पब्लिक जो है राजा के खिलाफ वोट करेगी तो चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए, और देखिए उस दिन भी चंद्रमा भयंकर पीड़ित है, मंगल के साथ राहु के साथ चंद्रमा है, तो इसका मतलब है जो 7वें चरण का चुनाव है वो बीजेपी के लिए 6वें चरण के चुनाव की तरह बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाला है। एक बात बताइए, कल जो 6ठा चरण खत्म हुआ है, कल वोट पड़े हैं, इस 6ठे चरण में कैसा रहेगा? सीधी कह रही है बीजेपी की, हरियाणा में आप रहते हैं, मेरे पास हरियाणा से एक आईएएस अफसर का फोन आया, बोले मुझे लग रहा है कि हरियाणा की सारी सीटें ना हार जाके बीजेपी। ये 6ठा चरण और 7वां चरण नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे ज्यादा खराब होगा, सबसे ज्यादा, हाँ, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ना कि मंगल और राहु के साथ जो है चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, और मैंने एक और चीज बता दी थी कि मिथुन लगन बन के आया, ये मिथुन लगन अभी 6वें चरण में भी था, बीजेपी के लिए इसे खराब है, ये बीजेपी का जन्म का लगन है मिथुन, इससे लगने जो है 12वें घर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बहुत बहुत ज्यादा अपमान वाली स्थिति आ रही है। और एक चौंकाने वाली बात बताता हूं, मेरी गणना में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का खुद का चुनाव जो है इस समय फंस जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, उनका चुनाव से क्या मतलब है, उनका चुनाव क्यों फंसेगा? भाई देखिए, मैं जातीय समीकरण बता दूं, क्योंकि गिरोह की स्थिति ऐसी है कि वोट बहुत खराब होगा। वाराणसी की सीट पर मुझे एक पत्रकार ने जो है डिटेल भेजी थी, 18.5 लाख वोट है, जिसमें 3,30,000 मुस्लिम है, ब्राह्मण 2,70,000 है, बनिया 2,10,000 है, कुर्मी 1,60,000 हैं, यादव 1,65,000 हैं, भूमियार 1,60,000 हैं, दलित 1,00,000 हैं, चौरसिया 90,000, कायस्थ 70,000। तो हमने जब ये देखा, अगर ब्राह्मण और बनिया का 100% वोट भी मिल गया तो नरेंद्र मोदी जी के पास 480 लाख होते हैं, 4,80,000 सॉरी, और बाकी अगर वोटों में मैंने कायस्थ भी इसमें 50% जोड़ दिए और चौरसिया भी जोड़ दिए तो ये 5 लाख तक पहुंच गई, अगर वो सारा विपक्ष का वोट इकट्ठा हो जाए तो वो 7 लाख पहुंच रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि मेरे पास बनारस का जाति का आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। दूसरी बात, ये बात मैं आपकी मानने को तैयार नहीं हूँ कि बनारस में मोदी जी को कोई परेशानी है, बनारस में बम है, वो जीतेंगे, कितने वोटों से जीतेंगे ये अलग बात है। हाँ, ये अलग है कि कोई अगर मजबूत प्रियंका गांधी लड़ती चुनाव बन जाता, अजय राय जी हालांकि मजबूत नेता है, बहादुर नेता है, कांग्रेस को बड़ा सर्वाइव किया उन्होंने, लेकिन मोदी जी को बनारस में हरा पाना थोड़ा मुश्किल से लगता है। नहीं, देखिए ऐसा है ना, आज इंडिया एयरलाइंस की बात है, मैंने तो कुछ लोगों से मेरी फोन पर बात हुई थी, मैंने कहा भाई आप लोगों का दिल्ली का चुनाव हो गया तो आप लोग जो है सारे के सारे ममता बनर्जी जाए, उद्धव ठाकरे वहां पर जाए, प्रचार करें, डिंपल यादव ने और प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, लेकिन आप क्यों चाहते हो कि मोदी जी ना पहुंचे संसद में? हम तो चाहते हैं मोदी जी संसद में पहुंचे, अच्छा है, मोदी की आवाज तो गूंजनी चाहिए ना, चाहे इधर बैठे चाहे उधर बैठे, आप इतना नाराज क्यों मोदी जी से? आप बैठेंगे नहीं, मोदी जी की अभी हालत से दिख नहीं रहा कि वो मोदी जी की कुछ स्वास्थ्य में कुछ मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। आप पिछली बार अमित शाह के लिए बोल दिए, इस बार मोदी जी के लिए बोल दिए, अच्छे भले एनर्जेटिक आदमी, गाल भी उनके लाल नजर आते हैं, बढ़िया चमकते हुए चेहरा है, आके देखिए
क्या लेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आंखें चमकती हैं, आंखें देखिए, मैंने ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक आपको, आप लोगों को दिखाई थी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। सही है, मोदी जी की बीमारी के नाम पे आप किताब भी निकाल रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। हाँ, जो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक मोदी जी को जो है, मैंने तो एक तो पहले आपके पिछले प्रोग्राम में बताया था, देखिए आज उनकी भाषा में क्या गिरावट आ गई है, और लगातार आप देखिए उनके चेहरे पे कितना तनाव है उनके भाषणों में। ये बात तो हुई हुई कि आपकी बातें सुन सुन के प्रधानमंत्री जी को मुजरा याद आ गया। अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री को क्या पता होगा मुजरा कैसा होता है, मुजरा उसको कैसे पता होगा प्रधानमंत्री? पता नहीं, भगवान जाने, उन्हें बचपन में कभी शौक रहा होगा उनको, तो इसलिए वो ऐसी, उनके संगत तो ऐसी थी, मुझे तो गुजरात के बहुत सारे लोगों ने बताया उनके बारे में, संगत ऐसी थी, वो तपस्या करते थे, संघ में काम किया करते थे। सब झूठ है, वो सब स्टोरी बनाई है। बचपन में चाय, गरीब थे, चाय बेचा करते थे। नहीं, चाय तो उन्होंने अहमदाबाद में बेची है, वहाँ बचपन में वडनगर में, तो उस समय जब तक थे वो वडनगर में स्टेशन ही नहीं था, चाय कहाँ से बेच लेते। तो मैं एक साइकोलॉजिकल बता दो, जो मोदी जी को सच्ची मायने में मैं बता रहा हूँ, उनकी उम्र जो है 75 से ऊपर की है। एक 75 से एक याद आया मुझे, अरविंद केजरीवाल ने 75 का कुछ फॉर्मूला बता दिया था। आज दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि मोदी ये जब बाकी बीजेपी वाले उसको डिफेंड करने लगे, मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूँ। कलराज मिश्रा जी मुझे सुनेंगे तो अपने आराम से, मुझे तो कहनी है बात। कलराज मिश्रा जी मीडियम स्केल मिनिस्टर हुआ करते थे, जैसे वो 75 के हुए तो मोदी जी ने उनको 2019 में नमस्ते भाई आप टाटा वाले इस्तीफा दिलवा दिया। तो मुझे किसी ने मेरा परिचय कराया कलराज मिश्रा जी ने, और मैं कलराज मिश्रा जी से मिला तो बहुत बेचारे मिश्रा जी बहुत दुखी थे। उनके मैं घर पे गया, उन्होंने लंच पे मुझे उन्होंने बुलाया, और बुला करके मैंने कुंडली देखी तो मुझसे कह रहे भाई मोदी जी ने मुझे आश्वासन तो दिया है कि कुछ पद देंगे, लेकिन मुझे मिनिस्ट्री से हटा दिया उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा है, आपको राजयोग तो आपका आ रहा है, आप बनेंगे जरूर। तो उन्होंने, उनको ये था कि मैं गवर्नर बन जाऊं। तो एग्जैक्टली मैं आज दर्शकों को बताता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन थी कलराज मिश्रा जी को उनके घर पर, उनकी डाइनिंग टेबल पर, कि मैंने कहा आप राज्यपाल बनेंगे, तो उन्होंने मुझसे दिशा पूछी, तो मैंने कहा कि उत्तर भारत की दिशा आ रही है, तो सबसे पहले वो हिमाचल प्रदेश भेजे गए। अरे बाप रे। हाँ, उसके बाद जो है फिर वो जो है राजस्थान में बैठे, और कलराज मिश्रा जी मेरे संपर्क में रहे। इतनी बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि कलराज मिश्रा, जब अशोक गहलोत की सरकार का क्राइसिस आया था, सचिन पायलट ने जो रायता फैलाया था, उस दौरान जब अशोक पायलट को फ्लो टेस्ट के लिए, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ये बात कहने के, जो मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, मुझे संपर्क रखे ना रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कलराज मिश्रा जी ने मुझे फोन करके कहा कि राजीव जी मैंने ठीक किया। उन्होंने अशोक गहलोत को फ्लो टेस्ट के लिए इन्वाइट किया था गवर्नर ने, तो उसकी सूचना मुझे दे रहे हैं, या तो वो गुरु के रूप में मानते थे इसलिए दे रहे थे। खैर वो बात आई गई हो गई। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 75 साल का वास्तव में मोदी जी का फार्मूला था। एक सेकंड, आप भी बड़े छुपे रुस्तम हैं। 15 दिन पहले बीजेपी का एक कैबिनेट मिनिस्टर आपसे आपके घर पे आके मिला, और आपने मुझसे छुपाई बात, मुझे जब तीसरे आदमी ने बताई तो मैंने आपसे पूछी, ये जो लाइन लग रही है आपके, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर को डर नहीं लगता कि मोदी जी को पता चल गया कैबिनेट मिनिस्टर आपके यहाँ के हाजिर लगा रहे हैं? क्या जलवे हैं आपके? कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, पंडित लोगों में ज्योतिषी लोगों की बड़ी ब्रांडिंग चलती है भाई। हम तो सोच रहे हैं कि हम भी कुछ छोड़ छाड़ के इतनी मेहनत करनी पड़ती है, दिल्ली से आए हैं, जहाज से उतरते हैं, सबसे पहले चलो राजीव जी का शो की तैयारी करनी है, दिन भर बोलते रहते हैं दिल्ली में, कल पूरे दिन धूप में पूरे पसीने तर बतर होकर माइक लिए घूम रहे हैं, आपकी शरण में आ जाए और सीख ले पंडिताई करना, बोले तो हमारे भी यदि केंद्रीय मंत्री आएंगे और हमारे भी जलवे हुआ करेंगे। नहीं, आपका देखिए डेमोक्रेसी में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। काश ऐसे ही गोदी मीडिया के पत्रकार कर पाते। पूर्व काल में भी देखिए जो सूचना का लाना और ले जाने का काम ही पत्रकारों का था, एक बड़ा नोबल नाराजी करते थे नाराजी, क्योंकि आपके जो है आइडियल अगर कोई हो सकता है तो नाराजी, तो ये बड़ा धर्म का काम है, और हम नाराजी हमेशा भक्ति में भी रहते थे भाई, जनता के मन को, अंतर मन को जानने के पास अगर कोई पहुंच सकता था तो केवल पत्रकार पहुंच सकता था। तो वो आप लोगों की जो मेहनत है वही, उसकी वजह से देखिए लोगों का विश्वास जुड़ा पड़ा है। अदरवाइज तो एक मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि मेरे पास ये किताब आई फेक न्यूज की, किसी ने किताब दी है फेक न्यूज की, इतनी बढ़िया किताब है कि उस फेक न्यूज में उन्होंने ये लिख के भेजा, ये है कि फेक न्यूज क्या है, ये गुरिल्ला कम्युनिकेशन माना गया है, वेस्टर्न वर्ल्ड इसको बहुत ज्यादा यूज करता था, और ये फेक न्यूज इसलिए टॉपिक में लेकर के आया हूँ आज, मैंने स्पेशली आज के प्रोग्राम के लिए सोचा था कि जिस तरह की वो अभी 3-4 दिन से वो आ रही है, इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाएगा, इतनी सीटें आ जाएंगी, कोई चाइना का सर्वे भेज रहा है,
कोई वो फलौदी बाजार का सर्वे भेज रहा है, इससे पूरा जो है लोगों की देश की जनता का दिमाग खराब होकर रखा है। लोग इतने कंफ्यूज है, दुखी होकर के मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, परेशान करते हैं। मैंने कहा चिंता मत करिए, तो उनको मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा है, तो ये भरोसा है कि भाई जो राजीव जी की गणना है वो 4 तारीख को वो ठीक होगी, तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ मेरी गणना में जो कुछ भी है वो प्योर है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे जितने मर्जी सूचना की रिपोर्ट आती रहे, जितना मर्जी न्यूज देखते रहे, जितना मर्जी व्हाट्सएप के चैट चलते रहे, जितने मर्जी वीडियोज आती रहे, भाई मेरी कैलकुलेशन तो ब्रह्मांड की कैलकुलेशन है, वो तारों की कैलकुलेशन है, कोई भी उसको पकड़ सकता है। ग्रहों को तो मैं बदल नहीं सकता, आप भी नहीं बदल सकते। आपकी सूचना यही है कि 4 तारीख को मोदी जी की विदाई हो रही है। मैं उसमें आ रहा हूँ। एक और आप लोगों के, आपके दर्शकों को आज एक अच्छा समाचार देना चाहता हूँ। आज 4 PM के साथ मेरा 1 वर्ष पूरा हो गया। याद हो गया, मुझे भूल ही गया। मैं 1 जून 2023 को पहला प्रोग्राम किया था और ये आज का प्रोग्राम जो है वो इस साल का जून से पहले का आखिरी प्रोग्राम होगा, मई का प्रोग्राम। तो देखिए कैसे कैसे देखो हमारी यात्रा और कैसे समय कट गया और दर्शकों को जान में दर्शक आप लोग। राजीव जी, किसी को यकीन नहीं होगा कि मेरी आपकी मुलाकात ही नहीं है आज तक। हम लोग केवल केवल इस तरह देखते हैं, हमने एक दूसरे से आमने सामने आज तक हमने राजीव जी को देख मुलाकात ही नहीं की आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बस भगवान की कोई मर्जी नहीं होगी। आप मुझे लिफ्ट नहीं देते हैं, आप केंद्रीय मंत्रियों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते हैं। आज दर्शकों को मैं दर्शकों को संजय जी की पोल खोलने जा रहा हूँ कि जब मेरा एक पत्रकार के जरिए मेरा संपर्क संजय जी से हुआ, तो मैं उस समय मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, मैंने संजय जी को फोन किया, तो संजय जी ने बहुत धीरे से कहा कि ठीक है, अच्छा वो सज्जन मुझे आपके बारे में बता रहे थे, करेंगे एक प्रोग्राम करेंगे। तो एक हल्के से तो मुझे संजय जी ने लिफ्ट नहीं मारी थी दर्शकों। फिर उसके बाद उस दिन मैं एक ब्यूरोक्रेट के पास गया था, उन्होंने मुझे लंच पे इन्वाइट किया था, दिल्ली में उनके दफ्तर में बैठा था, तो मेरे जन्म स्थान के एक पूर्व मंत्री भाजपा के हैं अशोक यादव जी, उनके घर में संजय जी का जाना हुआ, तो वहां से जब फोन आया है और उन्होंने संजय शर्मा से बात कराई, तो संजय शर्मा को लगा कि शायद राजीव शर्मा जी का कुछ थोड़ा सा वजूद है, इसलिए वो एक प्रोग्राम किया गया। और संजय जी देखो, आपने मेरी मतलब मेरा पीछा तब भी नहीं छोड़ा था कि प्रोग्राम के अंत में आपने मुझसे पूछा कि भाई ये प्रोग्राम हमने किया है, इसका भविष्य क्या होगा, तो हमने बता देगा। तो संजय जी आप याद कीजिए कि 1 जून 2023 को हम कहां थे और आज कहां पर आ गए हैं। तो ये सब राजीव जी, मतलब एक साल पहले मुझे याद है, एक साल पहले मेरे 6-7 लाख सब्सक्राइबर थे और आज जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूं तो 48 लाख सब्सक्राइबर हो गए। यानी एक साल में हम लोगों ने, भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऊपर वाले का ऐसा रहम हुआ कि एक साल में 42 लाख सब्सक्राइबर। और राजीव जी मतलब कल मैं दिल्ली गया, मेरा मन खुश हो गया। दिल्ली बहुत तेज गर्मी थी तो मुझे चाय की ज्यादा लत लगी रहती है, तो मैं कर रहा था कन्हैया की उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में था। फिर मेरा योगेश, मेरा एडिटर है, कैमरामैन, वो मेरे साथ में थे, तो मैं चलो चाय पीते हैं। मैं जैसे ही चाय के दुकान पे गया तो चाय वाला मुझे देख के कह रहा है, अरे आप वो संजय शर्मा हो ना। मुझे राजीव जी इतनी खुशी हुई ना, कोई मुझे दुनिया का अमीर से अमीर आदमी कहे कि मैं देखता हूँ, मुझे मजा नहीं आया। मुझे लगा चाय वाले ने कहा। फिर ऐसे ही मैं मेडिकल स्टोर पर गया, मेट्रोपोलिटन होटल पर रुका था उसके पड़ोस में, वहाँ पर 4 लोग मुझे जान रहे थे। मतलब इस हद तक लोग पहचानने लगे हैं 4 PM को। मुझे लगता है ऊपर वाले का चमत्कार है। एक साल में कोई चैनल इतनी देर तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। तो मैं संजय जी बता रहा हूँ कि फेक न्यूज क्या है बेसिकली, ये क्यों हमारे लिए डैमेज कर रही है। और ये आज की नहीं है, ये प्राचीन काल में, मैं दर्शकों को एक स्टोरी सुना देता हूँ। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ी घटना थी कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो उस समय पांडव तो कृष्ण के वजह से बहुत शक्तिशाली पावरफुल थे, तो किसी ने जो द्रोणाचार्य जी के पास दुर्योधन पहुंचा और द्रोणाचार्य से कहा कि भाई आप जो है किसी तरह से युधिष्ठिर को बंदी बना लीजिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं युधिष्ठिर को बंदी बना सकता हूं। इस बात की भनक जो है कृष्ण भगवान को लग गई, तो कृष्ण भगवान ने फिर एक जो है स्कीम रची, एक स्ट्रेटेजी तैयार की कि द्रोणाचार्य जी का जो पुत्र था अश्वत्थामा, वो उनको प्राणों से प्रिय था, तो बोले अगर हम कुछ ऐसा करें, उन्होंने स्ट्रेटेजी तैयार की कि भीम जो है एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उस हाथी को मारेगा भीम और उसकी सूचना पर हम द्रोणाचार्य के पास लेके जाएंगे और द्रोणाचार्य उससे मेंटली जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम द्रोणाचार्य की हत्या कर सकते हैं। तो उनको बताना था,
तो यही काम पे हुआ, भीम ने उस हाथी को मार दिया। उसके बाद कृष्ण, युधिष्ठिर और सारे पांडव द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और कृष्ण ने कहा कि भाई आपका पुत्र, आपका अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर सुनकर उनको विश्वास नहीं हुआ द्रोणाचार्य को। तो उन्होंने कहा कि भले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनको युधिष्ठिर पे विश्वास था कि ये झूठ नहीं बोलता है कभी भी। तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि हाँ युधिष्ठिर तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि यस, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु आखिरी लाइन जब बोले थे किंतु हाथी, उस पर भगवान कृष्ण ने स्मार्टली बहुत तेजी उन्होंने शंख बजा दिया, तो शंख की ध्वनि में वो बात दब गई। तो उसके बाद उन्होंने धनुष बाण रख दिया जमीन पर द्रोणाचार्य ने, और वो मेडिटेशन करने लगे अपने पुत्र की आत्मा की शांति के लिए। उसी दौरान अर्जुन के किसी पुत्र ने, किसी ने उनकी गर्दन काट दी और उनकी हत्या कर दी। तो ये फेक न्यूज थी। उस फेक न्यूज से क्या हुआ कि आपने इतने बड़े आचार्य का ही मर्डर कर दिया। तो ये फेक न्यूज के बारे में, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है कि, और जितने भी युद्ध आज प्राचीन काल से ये चलता रहा था, उसके बारे में बहुत अच्छी न्यूज, इसकी डेफिनेशन बताई गई, इट इज ए गुरिल्ला कम्युनिकेशन, नो वेन टू फाइट एंड वेन नॉट टू फाइट, अवॉइड वॉट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइक एंड वॉट इज वीक, नो हाउ टू डिसीव द एनिमी, appear weak when you are strong and strong when you are weak. तो ये सब चीजें पहले पूर्व काल में आपके राजगुरु बताया करते थे। तो उसमें पांच प्रकार के, उसमें चार प्रकार की फेक न्यूज बताई गई हैं। एक तो कहते हैं ना कि किसी का कार्टून बना के सैटायर या पैरोडी के रूप में मीम्स वगैरह बना दिया आपने। एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है, सिलेक्टिव न्यूज कवरेज ऑफ ए रियल इवेंट एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन ऑफ द लीडर ऑडियंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। और तीसरे है बायस रिपोर्टिंग, एजेंडा ड्रिविन, जैसे अभी आपने देखा हो ना, एजेंडा ड्रिविन क्या है कि जब पांच चरणों के चुनाव के बाद में नीचे ग्राफ जा रहा था, न्यूज आ रही थी और मोदी जी 400 पार का नारा भूल गए, तो एक एजेंडा तैयार किया गया। एक वो पांडे जी पीके घूम रहे हैं अलग अलग चरणों पर, पांडे जी पीके घूम रहे हैं अलग अलग चरणों पर। तो वो बिहार के पांडे जी बड़े महत्वाकांक्षी हैं, उनके बारे में भी मुझे बहुत सारे पत्रकारों ने बताया कि इन्होंने कोई अमेरिका में कोई किसी जगह पर नौकरी नहीं की, यूएन में एक कोर्स किया था, पढ़ने गए थे, पढ़ने के टाइम में यूएन में कोई जो एंट्रेंसशिप होती है ना, उस तरह की उन्होंने कोई वर्किंग की थी थोड़ी सी, उतना अनुभव था। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट को लेकर उन्होंने कंपनी खोली, फिर अपनी दुकान चल गई उनकी, चल गई। अब उनके टीम के मेंबर तो सब टूट टाट गए, सारे पॉलिटिकल पार्टी ने तोड़ लिया उनके मेंबर्स। अब जब वो बेले हो गए तो उसके बाद उनको लगा कि मैं नेता बन जाऊं, तो उसके बाद उन्होंने पदयात्रा की, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और आप देख रहे हैं कि उस व्यक्ति का कितना डाउनफॉल हुआ है। एक बड़े बहुत बड़े पत्रकार, उनके साथ बहुत बड़ा उठना बैठना था, तो मैंने कहा यार ये पांडे अपनी क्यों धट पिटवा रहा है, मैंने इसकी कुंडली मुझे दे दो, मैं बता सकता हूँ कि ये जो है इसका टाइम खत्म हो चुका है, ये ह्यूमिलेट होगा। और आप देखिए वो ह्यूमिलेट हो रहा है और हर जगह इंटरव्यू देता है। इसी तरह से दो नाम और मैं लेता हूँ कि जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल चलाने वाली एजेंसी है, ये बेसिकली फेक न्यूज के मास्टर्स हैं। बीजेपी के मुझे सब बीजेपी के लोग, संघ के लोग मुझे आके बता रहे हैं कि ये हमारे दफ्तर में आते हैं, पैसे ले जाते हैं और इसके बाद कंप्यूटर पे बैठ के रिपोर्ट बना देते हैं। वो एक देशमुख हैं कोई, जो नाना जी देशमुख के ग्रैंडसन हैं, और एक कोई गुप्ता जी हैं वो मध्य प्रदेश के, वो भी जो है आज तक के साथ जुड़ गए, तो वो भी आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। तो ये सब फेक न्यूज के मास्टर हैं। अगर 1 जून को वो एग्जिट पोल आएंगे तो वो फेक न्यूज का परोसा हुआ चीज होगा। इन लोगों को, ये सारे एग्जिट पोल वाले, आपको याद होगा 5 राज्यों के चुनाव में अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई थी, इन लोगों की गलत हुई थी कि उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। तो ये 5, तो ये बायस रिपोर्टिंग मतलब एजेंडा ड्रिवन रिपोर्टिंग इन विच फैक्ट्स आर नॉट वेरीफाइड और इग्नोर्ड टू सपोर्ट ए पर्टिकुलर पोजिशन और पॉइंट ऑफ व्यू। चौथा बताया गया मिसलीडिंग हेडलाइंस टू अट्रैक्ट अटेंशन इन डिजिटल स्पेस टू विजिट ए पर्टिकुलर वेबसाइट और लीडिंग पेज। मतलब आपने देखा ना कि वो उसको जो है ये बता देते हैं कि भाई किस तरह से, किस प्लेटफॉर्म को, जैसे अभी गोदी मीडिया का भी यही हाल है। मतलब इसमें फेक न्यूज के रैकेट में पूरी की पूरी गोदी मीडिया इसमें शामिल है। मोदी जी की तकलीफ के ऊपर आ रहा हूँ, नहीं तो वो भूल जाएगा बात। देखो मोदी जी को मैंने पिछली बार बता दिया था, नहीं सच्ची बात, ईमानदारी से मुझे दुख ये लगता है कि कैसे व्यक्ति एक सत्ता के मध्य में, उन्होंने देखिए वन डायरेक्शनल सक्सेस देखी है वो। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे जीवन का मुझे भी छोटा मोटा अनुभव है, मैंने वेलनेस का डिप्लोमा किया है, तो मैं बता सकता हूं कि मोदी जी खतरनाक किसी बीमारी के ग्रस्त में जा चुके हैं ऑलरेडी।
अदरवाइज वो टूटी खोलना, भैंस खोलना, मंगलसूत्र तुम्हारे घर में अकाउंट में तुम्हारे स्कैनर लगा के आ जाएंगे, तुम्हारे खातों से पैसे निकालेंगे। और आज तो उन्होंने हजी कर दी, आपको याद है, फिर अदानी अंबानी का नाम ले आए। मैंने क्या कहा था, आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि नरेंद्र मोदी पांचवें चरण के बाद अपने कपड़े फाड़ के रोने लगेंगे। स्थिति आज के एक कोई बयान किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, उसके बाद ये हो चुकी है कि वो दिन दूर नहीं कि अगले चरण के इस चरण के चुनाव तक मोदी जी माँ बहन की गाली ना देने लगे, इतना तक उनका मानसिक स्तर बिगड़ चुका है। तो उसका कारण ये है कि दो लगे ये भाषा अच्छी तो नहीं थी, मुजरा करने लगे, ये भाषा नहीं बोली थी। अरे आप सोचिए कि देश का, आपको पता है कि विदेशी मीडिया में कितनी क्या बदनामी हो रही है। एक किसी ने ऑस्ट्रेलिया से मुझे एबीसी, वहाँ एबीसी न्यूज है कौन सा चैनल है, वहां की रिपोर्टिंग हुई है कि जहां पर आपके लाठी मार के बूथ से जो गरीब गुरबे भगाए जा रहे हैं, वोटिंग नहीं डालने दी जा रही है, वो पूरा विदेश का मीडिया आपके चुनाव को कवर कर रहा है। इतना इलेक्शन कमीशन की भी बदनामी हो रही है कि वहां पर गरीब लोगों को और डाउनट्रेडन लोगों को, दलितों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है ये, और वहां का प्रशासन पुलिस उसमें लगी पड़ी है। ये न्यूज वहां से ऑस्ट्रेलिया से आई मेरे पास में। तो दो प्रकार की बीमारी होती है, मेंटल डिसऑर्डर है, जो मोदी जी को अपेरेंटली प्रतीत होते हैं। एक तो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे हम लगातार कोई झूठ बोलता है, फेक न्यूज बात करता है, आप उसको फेंकू कह सकते हो, फेंकू शब्द होता है हिंदी का। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक्सेसिव थॉट्स ऑब्सेशंस दैट लीड टू रिपीटिव बिहेवियर कंपल्शन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाई अनरीजनेबल थॉट्स एंड फियर्स दैट लीड टू कंपल्सिव बिहेवियर। इससे हमारा जो है बेसिकली इस तरह का व्यवहार बन जाता है। एक बीमारी होती है मेगलोमेनिया, जिसमें जो अहंकारी होते हैं ना आदमी, जो तानाशाह होते हैं, उनके हर तानाशाह के अंदर होगी। और इतना ही नहीं, मैं आपको प्राचीन काल में ले जाता हूँ, ये मेगलोमेनिया बीमारी रावण के अंदर भी थी, कंस के अंदर थी, दुर्योधन के अंदर थी, जितने भी बड़े बड़े राक्षस हुए उनके अंदर ये मेगलोमेनिया बीमारी थी, कि वो लार्जर देन लाइफ अपने आप को समझने लगते हैं। तो पहले दर्शकों की सुविधा के लिए बताते हैं, तो मेगलोमेनिया बीमारी क्या है, साधारण भाषा में इसको ईगोइस्ट कहा जाता है। इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर और कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज एन एग्जैगरेटेड बिलीफ इन देयर ओन पावर और इम्पोर्टेंस, अर्थात अहंकार के मद में डूबकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। वो भगवान कहने लगे भाई साहब अपने आप को, वो कहने में बायोलॉजिकल ही नहीं हूं, मुझे भगवान ने ऐसे भेजा जो पहले होता नहीं, हम अपने पुराणों में कहानी पढ़ते थे कि वो ऋषि की गोद में आके, ऋषि की पत्नी की आगे गोद में आके गिर पड़े, वो आकर के डायरेक्ट बनना वो हो गया उनका, पैदा हो गए। तो इट डेवलप्स द अननेचुरल एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोर एंड मोर पावर, अर्थात अस्वाभाविक अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको अति महत्वाकांक्षा कहते हैं, मोदी जी के अंदर है। इट इज अ डिल्यूजनल मेंटल इलनेस दैट इज मार्क्ड बाय फीलिंग्स ऑफ पर्सन सेल्फ ऑब्सेस ओमनीपोटेंस एंड ग्रैंडियर, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ग्लोरीफाई करना, ये इन लोगों के अंदर सिम्टम होते हैं जो नरेंद्र मोदी जी के हैं। तो जब ये सिम्टम है, संजय जी मैं आपको बता, खतरा कहाँ है, ये ब्रेन में इनके ब्लीडिंग हो सकती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसलिए बता रहा हूँ कि भाजपा की कुंडली में, मैंने पहले ही बताया भाजपा की वर्षफल में, कि बड़े नेताओं को सीरियस ट्रबल होने वाली है। आज मेरे को किसी ने ये पोस्ट भेजी थी कि हरियाणा में बीजेपी को समर्थन करने वाले एक 44 साल के एमएलए की, इंडिपेंडेंट एमएलए की हार्ट फेल होने से डेथ हो गई है, अभी अभी किसी ने पोस्ट भेजी है। तो ये लगातार ट्रेजेडी जो बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को हो रही है, वो क्यों हो रही है कि ये बीजेपी का वर्षफल बहुत खराब है। इसमें किसी महत्वपूर्ण नेता के ट्रेजेडी आने का पूरा साल भर का पीरियड है, छोटा मोटा पीरियड नहीं है। तो आप ना कहो कुछ भी, आपके मुंह से जो कहते हो जाता है। और एक और चीज बता देता हूँ आपको, आपके जो दर्शकों का एक प्रश्न था कि वो जो कुछ ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो ये मुझसे पूछा कि 4 तारीख को एक्चुअल में क्या, राजीव जी पहले मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। एक सवाल मुझसे बहुत लोगों ने कहा किया है, दर्जनों लोगों ने कहा है कि जैसा आप राजीव जी कहते हैं कि 4 जून को ये हार जाएंगे, तो सवाल ये है कि क्या मोदी जी इतनी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कई लोगों ने मुझे भेजा, मैं तो जान कैलकुलेट नहीं जानता, कि उस दिन 4 तारीख को कई सारे ग्रह एक साथ लाइन में आ रहे हैं, शायद ऐसी कोई बात है। तो ये लिखा है कि 4 और 5 जून जो है वो भारत की जन्मपत्री में भारत के लिए बहुत उथल पुथल वाला दिन है। तो क्या 4 और 5 को क्या वाकई में कुछ ऐसी स्थिति है कि ग्रह आ रहे नहीं आ रहे? दूसरा, क्या मोदी जी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे एक मित्र ने और बताया, एक अफसर है, आईबी में अफसर है, तैनात है, उन्होंने कहा कि संसद के अंदर की सुरक्षा ये अचानक चेंज की गई, वहां पे ट्रेनिंग हो रही है, मॉब
मॉब कैसे कई भीड़ अंदर ना जाए संसद में, इस तरह की सब मॉक ड्रिल हो रही है। तो लोग हैरान है, चर्चा है कि ये मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, कि जैसे श्रीलंका में हुआ था भीड़ इकट्ठी पार्लियामेंट में आ गई थी, तो क्या 4 जून को कुछ ऐसा डर है कि कोई हेरा फेरी हो गई तो कहीं मॉब ना आ जाए पार्लियामेंट के अंदर, जनता सड़कों पर ना जाए? मतलब 4 और 5 जून को क्या कोई ग्रह ऐसे हैं जो देश में बहुत खराब स्थिति, भगवान ना करे कभी कुछ ऐसी हो, कुछ है क्या संभावना है? देखिए ऐसा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने एक एक पुस्तक आपको दिखाता हूँ, ये आदमी की एज काउंट करने की पुस्तक है, ये लाइफ ऑफ स्पैन है ना। ये ज्योतिष में हम जैसे किसी की डेथ वगैरह प्रेडिक्ट करते हैं, तो या खासतौर से उन लोगों को हम जब देखते हैं, जैसे किसी का पेशेंट जो है वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और 1-2 महीने 15 दिन से पड़ा, आपको पता कितना खर्चीला काम है वो, तो उस दौरान हमें ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो ये इसी तरह से मैं बताऊं, भारत की कुंडली में ये मैंने आपको एक गोचर बनाया है कि बीजेपी के लिए 4 जून क्यों अशुभ समाचार लेके आ रहा है। ये 4 जून की है और बीजेपी की कुंडली बना दी मैंने, क्योंकि 3 लंबन लगन है, जब भी कहीं आप 3 देखेंगे तो बीजेपी की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली। तो मैंने उसमें लिखा है कि ये लोकसभा 2024 चुनाव भाजपा के लिए अशुभ क्यों है, कि इसी कुंडली में जो मैंने अभी दिखाई थी, इसका लग्न का स्वामी बुध है जो 12वें घर में है, 10वां घर में मीन राशि है जिसका स्वामी आपका बृहस्पति होता है, वो भी 12वें घर में है, साथ में 4था घर होता है हमारा सिंहासन का, 10वां घर होता पावर की वर्किंग का, 4था घर होता क्राउन का सिंहासन, उसका भी स्वामी बुध है, वो भी 12वें घर में, और साथ में राजा का कारक होता है सूर्य, वो भी 12वें घर में इस कुंडली में, साथ में मंगल राशि बदल रहा है 1 जून को आपके शाम को 3:35-36 पे बदल रहा है मंगल, मेष राशि में जा रहा है और ये शनि से पीड़ित हो रहा है। तो जब भी शनि और मंगल को, मंगल अगर पीड़ित होता है शनि से तो वॉयलेंस तो नजर आती है, तो जो आपके वो मित्र ब्यूरोक्रेट बता रहे थे उस तरह की संभावना है, कैसी संभावना है उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दर्शकों को बता देता हूँ, जो कुंडली मैंने आपको अभी दिखाई है ये भाजपा की कुंडली के अंदर हमने उस दिन का ट्रांजिट लगा दिया, तो इसमें 10वां घर का अगर स्वामी 12वें घर जाए तो ऐसा संकेत उस हर व्यक्ति के लिए, आप लोगों के ज्योतिष सीखने के वालों के लिए बताता हूँ, वो रिजाइन करने जाएगा, मतलब अगर व्यक्ति है तो उसकी नौकरी से उसको रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10वें घर से राजा देखेंगे देश की कुंडली में, तो इसका मतलब राजा का इस्तीफा होने जा रहा है। उधर हमने 4थे घर का स्वामी भी 12वें घर में बता दिया, तो सिंहासन छिन रहा है आपका, ये भी कंफर्म हो गया। सूर्य कारक है तो सूर्य ने भी बता दिया कि रूलर गया, तो ये 3-4 जून का संकेत दे रहा है कि भाजपा तो सत्ता से बाहर हो रही है। अब इसमें ये बात आती है कि जो भारत की कुंडली वृषभ लगन की, टॉरस लगन की दिखाइएगा दर्शकों को, मैं आपके पास है, तो उस कुंडली में मंगल जो है 12वें घर में होगा और 12वें घर से उसकी 6वें घर पे दृष्टि होगी और 7वें घर पे दृष्टि होगी, तो चुनावी परिणाम आने के बाद कुछ हिंसा के समाचार आएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, मतलब इन फाइटिंग आ रही है चुनावी, उसमें चुनाव के रिजल्ट के बाद में एग्रेशन बहुत होगा, पुलिस लाठीचार्ज वगैरह ये सब क्राइम इवेंट आती हैं, ये बिल्कुल दिख रहा है। और एक और चीज बता रहा हूँ, जो मैंने पुस्तक अभी आपको आयु निकालने की बताई थी लाइफ स्पैन वाली, तो उसमें एक सिद्धांत है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उसमें उसके लगन, लगन होता शरीर और 7वां घर होता है हमारा मारक स्थान और द्वितीय भाव भी मारक स्थान है, 8वें घर को भी बहुत सारे लोग 8वां घर भी मृत्यु का स्थान है आपका मारक स्थान होता है। जब हमारा जीवन में भगवान की तरफ से संदेश आ जाता है ना कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तो या तो लगन के इर्द गिर्द या 7वें घर के या 8वें घर के इर्द गिर्द सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इंडिया के चार्ट में लगन के इर्द गिर्द जो है, एक तो ये लगन में 4 ग्रह ये आ गए, 5वां ग्रह आपका जो है मंगल होगा 12वें घर में और 11वें घर में राहु केतु का इफेक्ट आ रहा है और शनि आपके 10वें घर से उसको देख रहा है। तो भारत की कुंडली में इस तरह की चीज आ रही है कि वास्तव में मोदी जी सत्ता छोड़ने में या अमित शाह सत्ता छोड़ने में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इनको, और वायलेंस का इंडिकेशन तो आ रहा है। ओहो, ये तो बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है कि ईश्वर करे ये बात ना हो, हिंसा ना हो, शांति पूर्वक। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उनको जाना है, वो उस चीज को रोक नहीं पाएंगे। सबसे अच्छी बात एक और चीज बता देता हूँ दर्शकों को, एक भय दूर कर देता हूँ,
आज मैं एक बहुत बढ़िया कुंडली लेकर के आया हूँ संजय जी, ये इलेक्शन कमिश्नर की कुंडली है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो भारत सरकार ने इनकी कुंडली देखना बहुत जरूरी थी पूरी देश। ये चीफ इलेक्शन कमीशन की कुंडली नहीं है, चुनाव आयोग की ना, चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग की कुंडली 25 जनवरी 1950। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इनकी जन्म पत्री की विवेचना इसलिए जरूरी थी कि पूरे भारत में इनको इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतनी गालियां पड़ रही हैं कि राजीव कुमार को पता नहीं नींद कैसे आती होगी कि ऐसे चुनाव आयुक्त के रूप में वो स्थापित हुए हैं जिससे देश, पूरा देश कलंकित हुआ है। कभी कभी कोई कुर्सी ऐसी होती है ना जैसे बैठे व्यक्ति से कुर्सी भी खराब हो जाती है, कुछ लोग मान मराते कुर्सी का और कुछ लोग अपमान करते हैं कुर्सी का। तो राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने वो अपमान किया है देश का, आंखें बंद करके बैठ गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दी, हिंसा की बातें हो रही हैं, मुसलमानों को लेके गाली दी जा रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये देश याद करेगा जब ये 2024 का लोकसभा चुनाव का जब जब जिक्र होगा तो राजीव कुमार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जो नपुंसक तरीके से इस देश के चुनाव आयोग के रूप में कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब बताइए राजीव जी क्या कहता है। मैं आज बहुत दुखी हूँ और मुझे खुलासा करना है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों से मैंने कंसल्ट किया मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं देश हित में, और मेरे लिए कोई व्यक्ति, कोई मित्र कितना बड़ा पैसे वाला है और कितना पद ऊंचे पद पे बैठा कोई मायने नहीं रखता है। मैंने उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप देश के साथ गद्दारी करोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो आज मैं मजबूर होकर, क्योंकि मेरा साल भर का आखिरी प्रोग्राम है, साल एक साल पूरी हो जाती है। राजीव कुमार जब एडिशनल सेक्रेटरी थे तब मेरे संपर्क में आए थे, मात्र एडिशनल सेक्रेटरी थे, और जिस समय उनको आज दर्शक मेरे सुन ले, मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा, मैं नहीं चाहता था मन से, लेकिन जब आपने इतनी बात बताई कि वास्तव में उनका कंडक्ट ने मुझे दुखी किया। मैंने जनवरी से उनको बराबर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहा कि राजीव जी आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट है, आप कृपया करके किसी की चमचागिरी मत करिएगा, आपको संविधान और देश के जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। तो वैसे व्यक्ति अच्छा है, लेकिन भगवान जाने वो क्यों कंप्रोमाइज हो गए मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बता रहा, राजीव कुमार मात्र एडिशनल सेक्रेटरी होते थे, उनका कोई व्यक्तिगत समस्या थी। उसके बाद में जब उन्होंने हमें पहले दिन में ही हमने लंच किया इकट्ठे डाइनिंग टेबल पर, तो उन्होंने मुझसे हंस के कहा कि भाई हमारी भी कुंडली देख लीजिए। तो मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो मैंने कहा कि आपके परचम लहराने का टाइम आ गया है। तो परचम लहराना हमारा उत्तर भारतीय एक शब्द है जिसमें कहते हैं वर्टिकल राइज। और आप देखिए उसके बाद बात आई गई हो गई, ये इतने ज्यादा मेरी नॉलेज से प्रभावित हुए थे, इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि वो लाला जी मुझे ले गए थे उनके यहाँ मिलवाने के लिए, जो पावर ब्रोकर होते हैं ना वो वाले, तो वो मिलवाने ले गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि पीएमओ में अधिकारी है बहुत, और लाला जी मुझे अपनी ऑडी में बैठा के लेके गए थे। मेरी तो सेंट्रो गाड़ी थी, मैं तो उनके कोठी पे खड़ी कर दी वहां दिल्ली में, और लाला जी के साथ ऑडी में बैठ के उनके घर तक गया। मोतीबाग में रहते, तो अभी भी मोतीबाग में ही रहते हैं ये। वहां जब मैं घर में गया तो राजीव कुमार को ज्योतिष आती है अच्छी खासी, दो भाई साहब 2.5-3 घंटे इन्होंने मेरी ग्रिलिंग की, इतना इंप्रेस हुए। तो लाला जी चिपक चिपक के बैठे थे, लाला जी चाहते थे मेरा संपर्क इनके पास ना चला जाए, तो लाला जी ने मौका ही नहीं दिया मुझे उनके साथ बैठने का। वो बाई चांस है, मैं लिफ्ट में जब हम वापस उतर रहे थे उनके यहाँ से, 3-3.5 घंटे बैठा हूं मैं उनके घर में उस दिन, पहले दिन ही जब नीचे उतर रहे तो एक मिस कॉल आया, तो राजीव कुमार मेरे पास सटके आते हैं धीरे से कि ये मेरा नंबर है सेव कर लीजिए। राजीव कुमार ने पर्सनली मुझे अपना नंबर दिया था। आज राजीव कुमार बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। तो परचम लहराने की घटना को सिद्ध करते हुए बता रहा हूं कि एक हफ्ते बाद मैं, इवनिंग का टाइम था, मेरे पास एक फोन आता है, मैं तो उसमें देख, मैंने नाम रखा था राजीव कुमार IAS, तो वो मुझे उल्टा बधाई दे रहे थे कि राजीव जी बधाई हो। तो मैंने किस चीज की बधाई, कि बोले मैं बैंकिंग सेक्रेटरी बन गया हूं। तो एक हफ्ते के बाद, मेरी भविष्यवाणी की, एक हफ्ते के बाद ये बैंकिंग सेक्रेटरी बने और उसी पोजीशन पर रहते हुए फाइनेंस सेक्रेटरी रिटायर हुए। फिर उसके बाद ये PSEB के चेयरमैन हुए, तो मैं इनको मिलने के लिए गया, तो वहां पर भी हम उस दिन 2.5-3 घंटे इनके पास बैठे थे CGO कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने राजीव जी, और मैं बताऊं फाइनेंस मिनिस्ट्री में मैं जाता रहता था, तो मैंने इनसे कहा था कि राजीव जी आपकी जिंदगी में रिटायरमेंट नहीं आ रहा, आपको रिटायरमेंट के बाद बैक टू बैक असाइनमेंट मिलेगी, और आप देखिए उनको रिटायरमेंट के बाद बराबर पद मिलते चले जा रहे हैं। और इसके बाद जब मैं PSEB वाले दफ्तर में बैठा था तो मैंने उनसे हंस के कहा, मात्र उनको ज्वाइन किए एक डेढ़ महीने हुआ था, उस दिन चेतन चौहान उनके पास मिलने के लिए गए थे। चेतन चौहान उनके जन्म स्थान के आसपास के हैं, जो अब नहीं है, क्रिकेटर थे ना, भाजपा के सांसद। मैंने राजीव जी से वहां पर उनकी कुंडली फिर देखी, मैंने राजीव जी इस पोजीशन पर टिकोगे नहीं आप,
और एक हफ्ते बाद देखा क्या वो इलेक्शन कमिश्नर बन गए और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। खैर आदमी अच्छा है लेकिन वो किसी क्या मजबूरी है भगवान जाने, लेकिन उन्होंने वास्तव में बहुत गलत काम किया। मैंने उनसे एक ही बात कहा था, मैं आज दर्शकों को बताता हूँ कि राजीव जी केवल हनुमान जी के प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, मनुष्य के प्रति नहीं। याद रखिएगा आप मनुष्य के प्रति कोई भी व्यक्ति हो जीवन का एक सिद्धांत बना लिए, मनुष्य बड़ा हो ही नहीं सकता, उसको दुनिया से जाना, परमात्मा के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। चले जाने दीजिए उनका व्यक्तिगत, लेकिन मैं चुनाव आयोग की एक बात बता देता हूं और दर्शकों को ये बहुत ढाढ़स और बहुत सांत्वना देगी मेरी बात। ये चुनाव आयोग हमारे भारत के संविधान में, मतलब भारत का जो आजाद भारत हुआ था 25 जनवरी 1950 को बना था। तो ये कुंडली जो है तुला लग्न की कुंडली है इनकी, इसमें एक ही कमजोरी है कि सातवां घर का स्वामी बारहवें घर में पीड़ित हो गया है। दर्शक ये देख लें, मंगल जो है यहां से बारहवें घर में गया, पीड़ित हो गया। तो सातवां घर होता है संजय जी प्रतिष्ठा का, इसीलिए भारत में चुनाव आयोग की स्थापना इतने गलत समय पर हुई कि उसके ऊपर हमेशा उंगली उठती रहेगी, क्योंकि उसकी जन्म ही ऐसी जगह अवस्था में हुआ कि उसकी इमेज पर बट्टा लगा हुआ है। लेकिन अभी जो दशा शुरू हो गई है चुनाव आयोग की, वो 27 फरवरी 2024 से शुरू हुई है, सॉरी 14 जुलाई 2023 से बृहस्पति की शुरू हुई है, और बृहस्पति इस समय शुद्ध अवस्था में है। ये चुनाव आयोग अपनी छवि को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा, तो मैं दर्शकों को आश्वस्त करता हूं कि मैनिपुलेशन नहीं होने देगा। उनकी खामियां हैं इस चुनाव आयोग की कुंडली में, चुनाव आयोग की कुंडली में, चुनाव आयुक्त की नहीं कह रहा हूं, मैंने चुनाव आयुक्त की कुंडली वर्बली वैसी बताई है, मैंने कुंडली डिस्कस नहीं करी है, लेकिन चुनाव आयोग की कुंडली में यह है कि जो छठवां और बारहवें घर की एक्सिस में जो पाप ग्रह है, इसका मतलब है चुनाव आयोग में जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा कभी भी। तो मेरी बात, अगर चुनाव आयोग वर्तमान, अभी इनको एक साल रहना है कि फरवरी 25 में रिटायर होंगे, कि अगर इनको कहेगा अच्छे लोग और टैलेंटेड लोगों को चुनाव आयोग में एम्प्लॉय करना चाहिए, उनकी वजह से चुनाव आयोग बदनाम हो रहा है। थके हुए से आज भी मैं वोट डाल के आया हूँ, दर्शकों देखो मैं वोट डाल के आया हूँ आज, तो मुझे लगा कि किस तरह की मशीनरी लगाते हैं, वो बहुत ही थकेली होती है, बहुत ही थकेली, तो इसीलिए वो और ऐसी मशीनरी लगती है जो आराम से पैसे दे करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हो सकता है चुनाव आयुक्त जो है उसमें स्कैंडल में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन लोकल ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है इसमें, बिल्कुल इस मैनिपुलेशन में जो हेरफेर हो रही है वो लोकल ब्यूरोक्रेसी के कारण हो रहा है। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक और जानकारी दे देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, दर्शक उसको गंभीरता से लें, वो खराब जजमेंट नहीं था, मजबूरी ये थी कि जो न्याय हमें हमारे 60 दर्शन है वेदों के अनुसार, 6 दर्शन है, उसमें एक न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन की मूल आत्मा क्या होती है, उसको एविडेंस चाहिए और तर्क चाहिए। अगर आप एविडेंस नहीं देंगे, तर्क भी कमजोर होंगे, तो वो जजमेंट नहीं दे पाएगा। तो इसी आधार पर मैं कहता हूं कि जब उनके पास डेटा ही नहीं था कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रही है, और आप र्यूमर पे वीडियो दिखा करके तो आप जजमेंट नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने, दर्शक आप मेरी बात ध्यान से सुनो, कितना बढ़िया जजमेंट दिया है। एक तो उन्होंने सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करने का पहली बार आदेश दिया, तो वहां से ही आपकी हेरा फेरी की संभावना थी, तीसरे चरण से ही शुरुआत हुई है, लेकिन हुई तो ये आपको दिया उन्होंने अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इस बार के जजमेंट में। दूसरा अधिकार दिया है कि आप एक छोटी सी, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 2 और कैंडिडेट नंबर 3 कुछ एक नॉमिनल फीस दे करके ईवीएम के माइक्रो प्रोसेसर चिप की जांच की मैन्युफैक्चरर से मांग कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंजीनियर आएंगे और उसके बाद उसको वेरीफाई करके बताएंगे, अगर गड़बड़ी हुई है तो फीस आपकी वापस हो जाएगी, नहीं तो जब्त हो जाएगी। तो आप देखिए पहली बार ईवीएम के चिप को आपको जो है की हेरा फेरी को पकड़ने का आपको अधिकार दे दिया, इससे ज्यादा बड़ी बात आप क्या लेंगे। बस इतनी सी बात के साथ हम ये बात करना चाह रहे हैं आपके कि जो फेक न्यूज का जो गड़बड़ी है उससे कैसे हम निबट सकते हैं। तो देखिए संजय जी, इसके लिए शास्त्रों में हमारे मानसिक पूजा कहा गया है, जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक हमारा पास में जो है वो, तो भगवान ने एक बात ये कही है कि इसके लिए सीधा सीधा अपने मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा शांत करना सीखिए, स्वाध्याय, स्वाध्याय तप और ईश्वर के आगे समर्पण, जिसको भक्ति कहते हैं, ईश्वर के आगे समर्पण ही भक्ति है, तब आपके अंदर ये विचलन कभी भी फेक न्यूज से नहीं आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इसी कामना के साथ हनुमान जी पर भरोसा रखिए,
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये भूत पिशाच कुछ नहीं कर पाएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका समय दिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये थे राजीव नारायण जी, और आप सुन रहे थे क्या शानदार बातचीत की है, क्या उन्होंने बातें कही है। मुझको यकीन है चर्चा आपको पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।